स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। सामुदायिक शौचालय की नौकरी को लेकर के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए अक्टूबर माह 2022 में नई नई अपडेट आई है। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। वीडियो छोटी सी है, वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं वीडियो हमारा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये देखते हैं कि कहाँ की खबर है सामुदायिक शौचालय को लेकर के जो नई नई अपडेट आई है। ये देखिए उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर की है। सीतापुर ग्राम पंचायतों में बनाए गए सामुदायिक शौचालय की देख रेख और उनकी साफ सफाई के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इससे उनका सही ढंग से संचालन किया जा सकेगा। 1564 सामुदायिक शौचालयों का संचालन समूहों के सुपुर्द किया गया है। इससे वहां के ग्रामीणों को सुविधा मिल सकेगी। सामुदायिक शौचालय संचालन के लिए समूहों को प्रति माह 9,000 रुपए दिए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में बीते वर्षों में व्यक्तिगत शौचालय बनवाए गए थे, इसमें तमाम क्षतिग्रस्त यानी खराब हो गए हैं। प्रधान और की ओर से बहुत से शौचालयों का निर्माण नहीं करवाया गया, इससे ग्रामीणों को हो रही दिक्कत के लिए सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करवाया गया है। 1599 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 1564 ग्राम पंचायतों में बने सामुदायिक शौचालयों को महिला स्वयं सहायता समूहों को हैंडओवर किया गया है। इनकी ओर से शौचालयों का संचालन किया जा रहा है। प्रति समूह प्रति माह 6,000 रुपए मानदेय दिया जा रहा है। शौचालय की साफ सफाई और रख रखाव के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपए दिए जा रहे हैं। करीब 6 करोड़ से अधिक का भुगतान समूहों को किया जा चुका है। डीपीसी स्वच्छ भारत अभियान सुशील कुमार यादव ने बताया कि 1564 शौचालयों को समूहों को हैंडओवर किया गया है। अन्य ग्राम पंचायतों के सामुदायिक शौचालय भी शीघ्र महिला स्वयं सहायता समूहों के द्वारा संचालन के लिए दिए जाएंगे। तो ये जो है उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर की खबर है। जिला सीतापुर में जितने भी ग्राम पंचायतों में जो है सामुदायिक शौचालय बने हैं, सभी सामुदायिक शौचालय की साफ सफाई की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को दी गई है और अच्छे से कार्य ये लोग कर रहे हैं। और बाकी जो अभी सामुदायिक शौचालय नहीं बने हैं, बनने हैं, उन सब की भी जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही दी जाएगी। स्वयं सहायता समूह इसकी जो है साफ सफाई करेगा। जैसे दीदी कहीं कहीं पर सामुदायिक शौचालय अभी तक पूरी तरह से नहीं बन पाया है, इसकी जांच भी चल रही है। जैसे जिला गोंडा में भी कई ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पूरी तरह से शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। बाहर से देखने में लगता है कि शौचालय पूरा बन गया है, लेकिन जब आप अंदर घुसेंगे तो जो है शौचालय पूरी तरीके से अभी नहीं बना है। एक दिन जो है वीडियो सर विजिट किए थे, जिला गोंडा के कई ग्राम पंचायतों में सर्वे किए थे। सचिव और ग्राम प्रधान को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द शौचालयों का कार्य पूर्ण कराया जाए और साफ सफाई है तो स्वयं सहायता समूहों को हैंडओवर कराया जाए। यदि दीदी आपके पंचायत में सामुदायिक शौचालय बने, आप सामुदायिक शौचालय की नौकरी करना चाहती है, आप समूह में जुड़ी है और सामुदायिक शौचालय की नौकरी करना चाहती है, तो आप अपने ब्लॉक पे जा करके पता करे कि यदि सीट खाली होगी तो आप भी आवेदन कर सकती हैं, आप भी सामुदायिक शौचालय की नौकरी ले सकते हैं, आपके समूह को मिल जाएगी। लेकिन पहले आपको ब्लॉक पे जाके पता करिए अपने ग्राम पंचायत में, यदि किसी का आवेदन नहीं हुआ होगा, सीट खाली होगी, तो आप अपने समूह का आवेदन कर सकती हैं, साफ सफाई की जिम्मेदारी आपके समूह को मिल जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे जो पंचायतें बची हैं अभी, वहाँ पे सामुदायिक शौचालय नहीं बने हैं या बन रहे हैं, तो यदि स्वयं सहायता समूह उसमें नौकरी करना चाहता है, साफ सफाई की जिम्मेदारी लेना चाहता है, तो इस विषय में जाकर के अपने ब्लॉक पे बात करें, एडीओ आईएसबी से बात करें, ब्लॉक मिशन मैनेजर से बात करें, समय समय पे जानकारी लेते रहे और अपना आवेदन करते रहे। तो आशा करती हूँ कि यह जानकारी आप सबकी समझ में आ गई होगी। वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो हमारा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सामुदायिक शौचालय से लेकर के यदि और कोई नई अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।